जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, मैं दिशा मम्मी आप सबको स्वागत करती हूँ दिशा मम्मा डेली लाइव ब्लॉग्स के एक नए ब्लॉग में। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं ये क्या कर रही हूँ आप सोच रहे होंगे, तो मैं यहाँ पर जो लाल कलर की मिट्टी रखी थी ना, पहले बुधवार को आपने देखा था तो उसी से ही कुछ बचा था। तो मैंने सोचा चलो जहाँ पर मैं पूजा करती हूँ ना माता की, तो वहाँ पर ही मैंने दीवार पर इसे लगा रही हूँ ताकि इसके ऊपर जब मैं झोटी बनाऊँ ना तो ये बहुत खूबसूरत दिखे। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, तो चलिए फिर मैं तो लिपाई कर रही हूँ, तब तक आप एक काम कीजिए, मेरी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मेरा चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करने के लिए बिल्कुल मत भूलिए। तो फिर चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से यहाँ पर दीवार पर लिपाई कर दी है। ये सुबह सुबह मैंने काम कर लिया है, उसके बाद कल मैं नीचे को अच्छे से धो लूँगी और उसके बाद झोटी बनाऊँगी। आज मंगलवार है तो आज मुझे बहुत सारा काम है, तो आज चलते हैं कौन सा काम है मैं आपसे के साथ शेयर करूंगी। मुझे कहीं पर जाना है तो चलिए देखते हैं मैं कहाँ जाती हूँ और क्या क्या करती हूँ। आज का मेरा पूरा दिन जो है ना बहुत ही बिजी रहा है और कहाँ कहाँ घूमना पड़ा मुझे पता नहीं, और एक बहुत ही एक्साइटमेंट काम भी मैंने किया है और उस काम में मैं सक्सेस होती हूँ कि नहीं, बस आप सब मेरे लिए बेस्ट ऑफ लक बोल दीजिए ताकि मैं उसमें सक्सेस हो जाऊं। तो फिर चलिए मैं कहाँ जाती हूँ और क्या करती हूँ आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए अभी जो है सुबह के 10 बजे हैं और मैं यहाँ पर आ गई हूँ रेडी होकर। हाँ लग रहा है ना मैं सज धज कर कहाँ आ गई हूँ। तो ये मैं आज एक ऑडिशन देने के लिए आई हूँ। हमारी जो रियलिटी शो एक होता है उड़िया में दीदी नंबर वन, तो उसके लिए मैं ऑडिशन देने के लिए आई हूँ आज भुवनेश्वर के एक जगह पर। तो ये देखिए मेरा फॉर्म है और इसे मुझे फिलअप करके देना है और उसके बाद क्या होता है मुझे आप बेस्ट ऑफ लक बोल दीजिए ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए। ये एक रियलिटी शो है जिसमें सिर्फ लेडीज़ कॉम्पिटिटिव होती है और ये गेम शो होता है। यहाँ पर बहुत सारा एक्साइटमेंट प्राइजेस होती है जीतने के लिए। तो अगर मैं ऑडिशन क्लियर कर लेती हूँ उसके बाद मुझे गेम शो में जाने का मौका मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं गेम शो में आज ऑडिशन देने के लिए आए हैं यहाँ पर। तो इन सारे के बीच मेरा सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है ये तो भगवान ही जानता है। प्लीज़ आप सब भी मुझे आपकी तरफ से बेस्ट ऑफ लक एक बार ज़रूर बोल दीजिए और क्या लगता है आपको मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए मैं अपना फॉर्म फिलअप कर लूँगी और उसके बाद हम ऑडिशन देने के लिए जाएंगे। ऑडिशन देने के बाद घर में लौटने के बाद भी मुझे बहुत सारा काम है, क्या क्या काम है मैं आप सबको उसके बाद बताऊंगी। और देख सकते हैं चारों तरफ सिर्फ लोग ही लोग हैं। यहाँ पर ऑडिशन हो रहा है, उसके बाद शूटिंग एक और जगह है तो वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी अगर गई तो सिलेक्शन हुई तो। फिलहाल तो प्लीज़ प्रे फॉर मी। और ये देखिए मेरा काम चल रहा है, अभी मैं फॉर्म फिलअप कर रही हूँ। मेरा जो ऑडिशन का सिलेक्शन का नंबर आया है ना फॉर्म का, तो वो 9 है और 9 नंबर में मुझे कब तक मिल जाता है ऑडिशन के टाइम, तो देखते हैं उसके बाद क्या होता है। और ये देखिए मेरा ऑडिशन अभी ख़त्म हो गया, थोड़ा फ़ोटो भी खिंचवा ली मैंने लिपि मैडम के साथ, लिपि दीदी के साथ, मेरा मतलब उनकी फ़ोटो के साथ। और अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। हमारा ऑडिशन ख़त्म हो गया, ऑडिशन कैसा रहा और क्या होगा मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं वो मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगी। अगर उनकी तरफ से कुछ आई तो वो कॉल करके बताएंगे कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं, तो अभी नहीं बता रहे हैं वो। तो ये देखिए हम लोग घर आ गए हैं। अब मेरा बेटी जो है ना वो जिद कर आए हैं क्योंकि उसे वही साड़ी ही पहनी है। आज उसके स्कूल में एक फंक्शन है और उसमें उसे वन एक्ट प्ले करना है सास बहू का, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो उससे भी तैयार कर लेती हूँ।
अभी शाम के 3 बजे हैं और उसका शो जो है वो 4 बजे शुरू होने वाला है, तो मैं उसे रेडी करके पहले उसके पापा के साथ भिजवा दूंगी। उसके बाद मैं खुद तैयार होकर जाऊंगी उसे थोड़ा देखने के लिए कि मेरी बेटी कैसी कर रही है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरी लिटिल क्वीन रेडी हो गई है बहू की तरह, और वो बहुत ही स्टाइल मार रही है बहू बनके, लिपस्टिक लगाकर, बड़े बड़े झुमके लगाकर। आप देख सकते हैं, मेरी बेटी को भी एक बेस्ट ऑफ लक जरूर बोल दीजिए। तो ये देखिए, मेरी बेटी की फाइनल लुक ये है और वो चली गई पापा के साथ, और मैं अब निकल रही हूँ तैयार होकर और उसके स्कूल में जाऊँगी, उसकी फंक्शन को देखूँगी। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही, बाय बाय रखती हूँ। मेरा ये ब्लॉग आपको थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और चलते हैं मेरी बेटी की स्कूल में। तो फिर ओके, बाय बाय, जय जगन्नाथ। अगले ब्लॉग हमारा गुरुवार का आएगा, क्योंकि कल जो है वो बहुत ही काम है। तो मिलते हैं, बाय।